महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और आज नई संसद में ये बिल पेश भी हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर जी हैं। मैम, आज ये बिल नई संसद में पेश होना है, महिलाओं के लिए, खासतौर पर विधायकों के लिए कितना खुशी का विषय? 27 वर्षों से देश की महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को लेकर इंतजार कर रही थी और वो इंतजार लगातार बढ़ता चला जा रहा था। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पार्टी ने लगातार इस बात के प्रयास किए थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और चूंकि केंद्र में लगातार लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने कोई ईमानदार प्रयास इसके लिए नहीं किए। देश की आधी आबादी को गुमराह करने के लिए कई बार आरक्षण बिल लेकर तो आए, लेकिन कोई ठोस प्रयास नहीं किए। अगर ठोस प्रयास किए होते तो आज सफलता मिल सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। जब जब भी कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें देश की संसद में इस बिल को लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समर्थन देने का काम किया। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो हमारी पार्टी ने अपने स्तर से प्रयास करते हुए संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया था। ये देश की आधी आबादी को बताने के लिए, एहसास कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा महिला सशक्तिकरण की और राजनीतिक सशक्तिकरण की है। आज निश्चित रूप से यह साबित हो गया कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार जिस प्रकार से आज महिला आरक्षण बिल को लेकर आ रही है, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। और इसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में महिला सशक्तिकरण था, है और हमेशा रहेगा। सोनिया गांधी या अन्य जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं तो हमारा बिल है, हम इसे लेकर आए थे। कांग्रेस की कोशिश हमेशा से दूसरों की सफलता पर अपना अधिकार जमाने की होती है। हमेशा जब भी कोई सफलता हम मिलती है, देश को मिलती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस पहले तो उसमें अड़ंगा लगाती है और उसके बाद जब सफलता मिल जाती है तो फिर उसका श्रेय लेने की होड़ करती है। महिला आरक्षण बिल अगर सोनिया गांधी जी की नियत होती तो लंबे समय तक, वो तो 10 वर्षों तक उनका एक छत्र राज रहा है इस देश पर। प्रधानमंत्री भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन कर्ता धरता तो श्रीमती सोनिया गांधी थी। वो चाहती तो लेकर आ सकती थी, अपने अलायंस घटकों को भी, राजनीतिक दलों को भी समर्थन में खड़ा कर सकती थी, पर उनकी मंशा नहीं थी। और आज एक बार फिर वो देश की आधी आबादी को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब देश की आधी आबादी गुमराह होने वाली नहीं है। महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लेकर आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस देश की आधी आबादी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है, तो इस देश की आधी आबादी का बहुत बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार के लगातार जो प्रयास रहे हैं इस महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर, उसी का नतीजा है कि आज ये बिल लेकर आ रहे हैं।